हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल। हाँ, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डाइवर्जेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और डाइवर्जेंस के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन की बात की कि डाइवर्जेंस का सेंस क्या होता है। मैं हल्का सा रिकेप कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये देखा था कि डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है कि कोई भी जैसे छोटा सा एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलेगा, उस फ्लक्स में मैं अगर आयतन से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना फ्लक्स आएगा, प्रति एकांक आयतन जितना फ्लक्स निकलेगा, उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये हो गया था ना। इसके बाद में हमने इसका फॉर्मूला जो था वो कुछ इस तरीके से सिंपल, जो बेसिक डेफिनेशन का फॉर्मूला है वो ये है। लेकिन अभी ये फॉर्मूला मैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करूंगा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग कुछ जुगाड़ कर रहे थे और उसके लिए हम लोग कुछ समझ डेवलप कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें होगी। और ये U1, U2, U3 तीन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स है, वक्र रेखीय निर्देश है, निर्देशांक है। और इसमें ये H1 DU1 है, ये H2 DU2, ये H3 DU3 है। अब इसमें हम लोग कुछ और बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, पहले सुन लो। मुझे ये कैलकुलेट करना है लेकिन एक दूसरे फॉर्म में लेके आना है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो फॉर्मूला है वो बनाना है। तो मैं एक काम करूंगा कि ये क्या फ्लक्स ही तो है ये ऊपर वाला, तो इस फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आऊंगा यहां से। ये जो पूरा जो डायग्राम है, इससे मैं फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करके लाना चाहता हूं। तो फ्लक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो, अब समझना बात को। यहां पर ये जो स्मॉल एलिमेंट जो रखा गया है, ये कहां पर रखा गया है, एक वेक्टर फील्ड में रखा गया है। यहां पर एक सदिश क्षेत्र है। क्या है? एक सदिश क्षेत्र है। और उस सदिश क्षेत्र को हम लोग ये बोल देते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड ऐसा है कि उसका इस ज्योमेट्री के जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, उस सेंटर पर उसका जो वैल्यू है वो ए वेक्टर है। कि यहां पर इसके सेंटर पे, इसके केंद्र पे जो वैल्यू है, जो मान है, वो कितना है, ए वेक्टर है। आई बात समझ में? इसके सेंटर पे ए वेक्टर वैल्यू है। किसके? सदिश क्षेत्र का। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे ए वेक्टर है, ऐसा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं ले रहे, अभी कोई जनरल ले रहे हैं, वो ए वेक्टर है। वो बाद में अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी रखना उसकी जगह रख देना। अभी ए वेक्टर लेके चल रहे हैं, उसका वैल्यू इसके सेंटर पे ए है, ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आ रही है अभी? अभी इस ज्योमेट्री को मैं उठा के ले आता हूं, क्योंकि अभी मेरे ये बहुत काम में आने वाली है। अब देखिए, ये जो ज्योमेट्री है उसी से पूरा गेम स्टार्ट होगा। देखिए, इसके सेंटर पे जो सदिश क्षेत्र का वैल्यू है वो ए वेक्टर है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ज्यामिति के केंद्र पर सदिश क्षेत्र का मान ज्यामिति का जो सेंटर है उस पे है, ज्योमेट्री के सेंटर पे ए वेक्टर है फील्ड का वैल्यू। और ए वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, A1 E1 कैप डायरेक्शन में प्लस A2 E2 कैप डायरेक्शन में प्लस A3 E3 कैप डायरेक्शन में। आई बात समझ? ये सेंटर पे है, इसके केंद्र पे है। तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड एट द सेंटर ऑफ ज्योमेट्री। ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है जिसको लिखना है, और उसके बाद में लिखना है इंग्लिश वाले, हिंदी में तो सही लिखा मैंने, ठीक है। ये है, तो इसके सेंटर पे इसके जो कंपोनेंट है, U1 डायरेक्शन में A1 है, U2 डायरेक्शन में, U2 डायरेक्शन मतलब E2 डायरेक्शन, वो A2 है, और थर्ड में है A3। आई बात समझ?
अब इसके बेसिस पे देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर रहे हैं फ्लक्स मेजर करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्लक्स मेजर करते हैं, समझना। अब जो बताने वाला हूं ना उस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना, वो बड़ी काम की चीज है, बाद में समझ में भी नहीं आएगा, लॉजिक के साथ में है, तो इसको ध्यान से समझ लो। अभी हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सपोज पहले एक्स डायरेक्शन में कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन का मतलब यू वन डायरेक्शन में, ये यू वन वाली डायरेक्शन है ना, कि यू वन डायरेक्शन में एक तो ये सरफेस है, और यू वन डायरेक्शन में एक ये सरफेस है। ये मतलब इधर से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हो सकता है कि इधर से फ्लक्स पास हो और इधर भी पास हो, तो टोटल फ्लक्स इससे कितना पास होगा वो कैलकुलेट करना है। मतलब एक तो इस सरफेस से कैलकुलेट कर लो, फिर एक इस सरफेस से, एक डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लो, फिर उसके जैसे ही बाकी की डायरेक्शन में होगा तो वो तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन एक डायरेक्शन में अच्छे से कैलकुलेट कर लो। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इससे फ्लक्स कितना होगा, इससे फ्लक्स कितना निकलेगा इस सरफेस से। ठीक है, अब सुनो, मैं यू वन डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, तो यू वन डायरेक्शन में बात कर रहा हूं, तो ए वन वाला जो हिस्सा है, मतलब जो इसका ए वन कंपोनेंट है, वही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ए टू और ए थ्री क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए, क्योंकि हम लोग ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं अभी जो लाइनें बोल रहा हूँ आपकी, हो सकता है कि समझ थोड़ा सा मुश्किल आए, लेकिन समझो इस चीज को, रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जो सिस्टम है हम लोग बात करें कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कर्व लीनियर में भी कौन से ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर सिस्टम्स के, मतलब लंब कोणिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की, और लंब कोणिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कुछ रूल्स होते हैं वो हमने पढ़े हैं, जो भी है। अब समझिए बात को, इसमें अगर एक्स डायरेक्शन में, मतलब यू वन डायरेक्शन में अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसमें केवल ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला पार्टिसिपेट करेगा। इसमें निकालना है यू टू में, तो इसके अंदर ए टू वाला पार्टिसिपेट करेगा, और अगर इसमें यू थ्री में निकालना है तो ए थ्री वाला पार्टिसिपेट करेगा। ये तीन अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में ये है भागीदारी करेंगे। ठीक है, अब मुझे इससे फ्लक्स निकालना कि इससे कितना फ्लक्स निकला। अब इस चीज को समझ लेना, कैसे से करेंगे हम इसको। मुझे ये पता है कि सेंटर पे, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक सॉरी सेंटर पे वेक्टर फील्ड का सदिश क्षेत्र का मान कितना है, ए वन ए टू और ए थ्री के कंपोनेंट में, लेकिन मुझे यू वन डायरेक्शन में बात करनी, तो यू वन में कितना है, यू वन में मतलब ई वन केप डायरेक्शन में है ए वन, इस डायरेक्शन के अंदर वेक्टर फील्ड का जो वैल्यू है वो है ए वन, कहां पर, सेंटर पे। सेंटर पे वेक्टर फील्ड का जो वैल्यू है वो है ए वन, और यहां पर अगर मैं एक ऐसी बात करूं, अब समझना, अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना होता यहीं पे, इस सेंटर वाली पोजीशन पे, तो सेंटर वाली जो पोजीशन है वो कहां पर, बीच में एक तरीके, सेंटर जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है वो एच वन डी यू वन है, तो एच वन डी यू वन का आधा इधर है, एच वन डी यू वन का आधा इधर है, ये बीच में आ गया सेंटर, ऐसा है। तो ये सेंटर कहां पे, बीच में है। अब अगर मुझे मान लो कि बीच वाली जगह पे, यहीं पे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना होता, बीच में फ्लक्स कैलकुलेट करना होता, तो बीच में जो फ्लक्स आता वो क्या आता, समझना, बीच में जो फ्लक्स आता वो क्या आता, बीच में जो फ्लक्स आता वो मान लो फाइव वन ले लो एक बार, इसको बीच में जो फ्लक्स आ रहा है वो है फाइव वन, और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है एरिया फील्ड इनटू एरिया, ऐसे होता है ए इंटू डी ए, यही होता है फ्लक्स, अरे यही होता है ना फ्लक्स, ए इंटू डी ए। तो इस पॉइंट पर अगर मुझे यहां पर अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना होता इस जगह पर बीच के अंदर, तो वहां पर आता फील्ड का वैल्यू तो ए वन इस डायरेक्शन में, और यहां पर अगर मैं इस तरीके से एरिया लेता तो एरिया क्या आता, मतलब इसके पैरेलल, ये जो है इसी के पैरेलल एक सरफेस बीच में और बना दो, तो वो वहां पर कितना एरिया आता, इसका इसका एरिया, इसका एरिया ले लो या इसका एरिया ले लो या बीच वाली का एरिया ले लो, एरिया सेम ही आएगा। क्या एरिया आता, एरिया ए बी एफ जी का एरिया ले लो या इसका बीच वाले का एरिया ले लो या इसका एरिया ले लो, एरिया सेम ही है सबका। तो जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा ऐसा, जैसे इसका एरिया क्या आएगा,
इसकी हाइट तो है ये H2DU2 और इसकी ये वाली जो है वो H3DU3, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा H2DU2 इंटू H3DU3। ये फ्लक्स आता, ये तो एरिया आ गया इंटू A1, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू आ गया, तो फील्ड का वैल्यू इंटू एरिया, ये क्या हो जाता, फ्लक्स हो जाता। कहां पर? इस बीच वाले पॉइंट पर है ये फ्लक्स, Φ1, यहां पर इस डायरेक्शन में बीच वाले पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू है। मतलब अगर बीच वाले पॉइंट पर एक, यहां पर एक सरफेस होता ना, बीच वाले पॉइंट पर मैं एक मान लो कागज, एक पेपर लगा देता हूं, तो उस पेपर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होता एक्स डायरेक्शन में, वो वाला आता ये। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है इस सरफेस से, मुझे बीच वाले से कैलकुलेट नहीं करना, मुझे कैलकुलेट करना है इस सरफेस पे। बीच में पता है क्या? बीच में पता है ये है। इस सरफेस पे कैलकुलेट करना, जी हाँ, इस सरफेस पे, मतलब आगे चल के, कितना आगे चल के, यहां से इतना आगे चल के, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी आधी है, क्योंकि ये बीच में H1DU1 का आधा है ये। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को समझ लेना। देखना, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, मैं ये जो चीज सिखा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें हैं, अभी सीखने को मिल सकती है, बाद में सीखने को मिल सकती है, इन द सेंस अभी ये चीज समझ आ जाएगी, बाद में इस चीज में कंफ्यूज रहोगे आप। बीच, जैसे किसी भी, जैसे मान लो बीच वाले पॉइंट की मैं अगर बात करूं, ऐसे जैसे बीच वाला पॉइंट का मतलब है ऐसा, ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहां पर एक सरफेस बना दिया, मतलब बीच वाले पॉइंट पर एक सरफेस बना दिया, यहां से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का वैल्यू है Φ1, यहां पर जो फ्लक्स का वैल्यू है वो कितना है Φ1। मुझे कैलकुलेट करना है इस पृष्ठ पर, इस सरफेस पे, कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है इस डायरेक्शन में। तो देखो, फंक्शन का एक रूल होता है ऐसा, जैसे मान लो यहां पर आपको पता है कितना है Φ1, कितना Φ1 है, आगे चल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मान लो कि प्लस, कुछ बढ़कर आएगा या घटकर आएगा वो तो पता चल जाएगा जो भी आएगा, लेकिन हम लोग ऐड कर देते हैं क्योंकि आगे की तरफ जा रहे हैं। Φ1 यहां पर है, ये मान लो x डायरेक्शन है, अगर मान लो x डायरेक्शन होती तो Φ1 है यहां पर, आगे चलने पर Φ1 का फ्लक्स का वैल्यू कुछ चेंज हो सकता है, यहां पर Φ1 निकल रहा था, आगे गए तो मान लो Φ1 का जो है वो x के रिस्पेक्ट में आगे चल रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ Φ1 विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के हिसाब से ये कैसे परिवर्तित होता, चेंज कितना होता, इंटो कितना चला मैं यहां से लेके यहां तक, कितना चला मैं यहां से लेके यहां तक चला, जैसे ये पूरा dx लेता हूं मैं, तो इस dx का आधा चला क्योंकि बीच में से चल रहा था, तो ये हो गया dx/2 चला मैं। ये आएगा इस जगह पर, फ्लक्स आएगा इस सरफेस के ऊपर, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो इस लेक्चर को ध्यान से समझ लेना, ये इसके अंदर डाइवर्जेंस में यही बड़ा काम का है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कुछ ज्यादा लिखवाने का, कुछ लिखवाया नहीं मैंने, समझने का ये लेक्चर। बीच वाला जो सरफेस है वहां पर फ्लक्स निकाल लिया मैंने Φ1, मुझे निकालना है यहां पर, तो निकालने का तरीका देखो, बीच में है Φ1 तो Φ1, अब आगे जाएंगे तो कुछ बढ़ेगा या कुछ कम होगा, जो बढ़ के आएगा वो कम होके आएगा, वो इस तरीके से लिखते हैं उसको, कैसे कि किसके बारे में बात करें, फंक्शन कौन है Φ1, तो Φ1 आ गया ये, और x डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो गया, इंटो कितना चल रहे हैं वो आ गया। ये EMT में फर्स्ट ईयर में डिटेल में ये इस तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो, बीच में है फंक्शन का वैल्यू जो भी आया, अब कौन से फंक्शन में चेंज हो रहा है, चेंज Φ में हो रहा है, तो Φ का कौन से डायरेक्शन में, x में, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो, इंटो कितना चल रहे हो यहां से यहां तक आने में, dx/2, आधा चल रहे हो ना, आधा लिखते हैं, ये आ गया। सेम चीज में यहां पर लगाता हूं, देखो सेम चीज अगर यहां पर लगाऊं, तो यहां पर बीच में फंक्शन का वैल्यू कितना Φ1, और मुझे कैलकुलेट करना है यहां पर इस सरफेस पे, है ना, उस सरफेस पे जो आएगा वो ये आएगा, जो भी आएगा उसको मैं मान लेता हूं Φ1 ले लेता हूं इस सरफेस के ऊपर,
इस पे, सॉरी इस पे, तो वो आएगा फाइव वन प्लस, फाइव वन चेंज हो रहा है ना, तो डेल फाइव वन अपॉन डी एक्स, तो यहां पे तो एक्स तो है नहीं, यहां पे कौन है एक्स, डी एक्स की जगह क्या है एच वन डी यू वन है, तो डी एक्स की जगह एच वन डी यू वन, तो डी यू को डेल यू वन क्योंकि डेल में लिख रहे हैं, ठीक है, अपॉन डेल एक्स आएगा ना, तो डेल एक्स की जगह एच वन डेल यू वन इंटू कितना, जैसे यहां पर डी एक्स बाई टू चल रहा था, तो यहां पर कितना चल रहा हूं यहां से यहां आने तक, इसका आधा एच वन डी यू वन का आधा, एच वन डी यू वन का आधा, ये अब फाइव वन का वैल्यू लिख देना आपके पास में आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन लो हमने क्या करना है, सुनो हमारा टारगेट ये है कि ये जो फॉर्मूला आया है ना, इस फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये मतलब फाई, फाई मतलब फ्लक्स, जो टोटल इस वॉल्यूम से बाहर निकल रहा है वो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं एक जुगाड़ बना रहा हूँ, क्या कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है, वहां पर मेरे को सदिश क्षेत्र का मान कुछ मान लिया कि वेक्टर फील्ड का वैल्यू जो है वो ये आएगा, इसके गठक ये आ जाएंगे ए वन ए टू ए थ्री। अब मैं पहले x डायरेक्शन से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर y से निकाल लूंगा, फिर z डायरेक्शन से कैलकुलेट कर लूंगा। तो x डायरेक्शन मतलब u1 है यहां पे, तो u1 डायरेक्शन से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u1 डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वेक्टर फील्ड है जो सदिश क्षेत्र, वो a1 है, तो a1 की वजह से जो अपने पास में u1 डायरेक्शन में जो फ्लक्स मिलेगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले हम लोग सेंटर के ऊपर फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि सेंटर के ऊपर फ्लक्स कितना है। अब सेंटर के ऊपर फ्लक्स, तो सेंटर पे मान लो एक सरफेस बना दिया, जैसे इसमें अच्छे से दिख रहा है ये सरफेस, यहाँ पर भी एक सरफेस बना दो, तो सेंटर के ऊपर फ्लक्स निकालना, तो फ्लक्स क्या होता है, फील्ड का वैल्यू इंटू क्षेत्रफल एरिया, तो सेंटर के ऊपर फ्लक्स का फील्ड का वैल्यू तो एक्स डायरेक्शन मतलब यू वन डायरेक्शन में ए वन आ गया, और क्षेत्रफल एरिया, एरिया कौन सा, ये वाला, तो इस डायरेक्शन में जो एरिया आएगा ये, तो ये एरिया क्या है, यहाँ से ले लो या इस पीछे वाले का ले लो या ये ले लो, एक एरिया तो सेम ही है, जैसे इसका एरिया पीछे वाले का सेम, बीच वाले का सेम ही आएगा एरिया, तो एरिया जो आएगा इसका क्या आएगा, ये वाला, और इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका ये एरिया आ गया, तो ये बीच में आ गया, ये यहाँ पे ये फाइव वन आ गया। अब मुझे फाइव वन मिल गया कि यहाँ पर बीच वाले पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन की तरफ मतलब यू वन डायरेक्शन की तरफ जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फ्लक्स है फाइव वन। मुझे कैलकुलेट करना इस सरफेस से ए बी एफ जी से, इससे अगर कैलकुलेट करना हो तो मैंने सिंपल तरीका ये बताया ऐसे कि बीच वाले का है उसमें कुछ ऐड होगा क्योंकि आगे की तरफ चल रहे, तो आगे की तरफ चल रहे कुछ ऐड होगा, तो वो ऐड वाला कैसे जोड़ते हैं, वो ऐसे करते हैं कि फाइव वन का चेंज हो रहा है तो फाइव वन डेल फाइव वन, और किसके डायरेक्शन में, एक्स वेरिएबल है तो एक्स के डायरेक्शन में, तो डेल एक्स हो गया इंटो कितना चल रहा हूं मैं यहां से यहां तक जाने में डी एक्स बाई टू, आधी डिस्टेंस ना तो डी एक्स बाई टू, सेम चीज यहाँ पे लगा दी कि फाइव वन प्लस डेल फाइव वन, और यहाँ पे डेल एक्स है तो डेल एक्स की जगह तो हम लोग एच वन डेल यू वन लिखते हैं इंटो डी एक्स है तो डी एक्स की जगह एच वन डी यू वन हो गई अपॉन टू, ये आ गया इसके लिए जुगाड़ आ गया, ये चीज आ गई, बस यही थी इंपॉर्टेंट। अब तो इसी टाइप से इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग गेम चलाएंगे आगे, ठीक है। तो ये देखो, जिसको नहीं समझ आता या थोड़ा लॉजिकली ध्यान में रखना पड़ा तो रफ में ये चीज भी छाप लेना, तो इसके बेसिस पे हम लोग ये बनाए हैं, एग्जाम में नहीं करना है लेकिन आपको दिमाग में सेट होने के लिए ये जरूरी है, ये भी छाप लेना। ये क्या आ गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ निकलने वाला फ्लक्स है, तो पॉजिटिव फ्लक्स धनात्मक एक्स दिशा में जाने वाला फ्लक्स, धनात्मक या धनात्मक एक्स दिशा नहीं है, ये एक्स तो है ही नहीं ना, यू वन वाला है, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कौन से ए बी एफ जी, ए बी एफ जी जो सरफेस है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है ये ए बी एफ जी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फ्लक्स पासिंग थ्रू
द सरफेस ए बी एफ जी, तो ए बी एफ जी से जो पासिंग होने वाला जो फ्लक्स है वो आ गया अपने पास में फाई यू वन। ये फाई वन का वैल्यू रखो क्या आया, देखो फाई यू वन जो आया ए वन एच टू एच थ्री, एच टू एच थ्री को पहले लिख दिया डी यू टू डी यू थ्री प्लस। अब देखो ये मेरे कोई काम का नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूँ, जिसको छापना है पहुँच करके कॉपी कर सकता है इसको रफ के लिए, ये एग्जाम में नहीं लिखना है ये वाला सिस्टम, ये समझने के लिए है। लेकिन मैं जो ये समझता हूँ कि जो समझने के लिए हम लोग लिखते हैं ना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट ही वही चीज़ होती है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको छापना है पहुँच करके कॉपी कर लेना। फाई वन ये है, इसमें वन अपॉन एच वन तो बाहर आ गया, फाई वन का वैल्यू है ये, तो डेल बाय डेल यू वन फाई वन का वैल्यू आएगा ए वन एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री और यह आएगा एच वन डी यू वन बाई टू। यह आया, आगे चलिए इसको सोल्व कीजिए। फाई यू वन ये आएगा ए वन एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री। आगे देखिए इसके अंदर, इसमें देखो u1, u2 और u3 स्वतंत्र चर होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब u1, u2 पे डिपेंड नहीं करते, u2, u1 पे डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब u2 का और u3 का u1 के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है एक तरीके से, ये डिपेंड ही नहीं करे u1, u2, तो u1, u2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है इनको। एक बार टाइम क्या हो गया, टाइम 5-7 मिनट बचे हैं, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ u1, u2 एंड u3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इससे पहले लिख देता हूँ u1, u2 व u3 स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, परस्पर स्वतंत्र चर है, परस्पर स्वतंत्र चर है, u1, u2 एंड u3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए यह आएगा 1 अपॉन h1 डेल u1 डेल u2 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि u1 के रिस्पेक्ट में इनका तो ये तो कांस्टेंट है एक तरीके से, डिपेंड ही नहीं करता, तो डेल u du1 du2 को बाहर ले लो उधर, और ये अंदर जो बचा, अंदर बचा इसमें ए वन एच टू एच थ्री ये बचा, और ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये वन अपॉन एच वन डेल बाय डेल यू वन है ये इसका डिफरेंशियल, और जो डी यू वन डी यू टू बचा वो इधर आ गया, तो डी यू वन है इधर डी यू टू और डी यू थ्री बाई टू, जो h1 था ये h1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h1 को भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ये मिला मुझे, ठीक है, ये प्लस है बीच में, ये इसको इक्वल नहीं है, ये प्लस है। ये किसका वैल्यू मिला, ये मुझे फाई यू वन का वैल्यू मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई यू वन, ये मिला, ठीक है, ये मिला इस सरफेस से पास होने वाला, इस सरफेस से मुझे इस सरफेस से पीछे वाली सरफेस से अगर कैलकुलेट करना हो तो पीछे आना पड़ेगा, इतना ही पीछे आना पड़ेगा जितना आगे गए, लेकिन वो पीछे जाना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, माइनस की तरफ जाना पड़ रहा है, तो पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है माइनस में, तो उसको वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो वैल्यू तो ये आएगा, लेकिन जहां पर ये ऐड कर रहे थे हम लोग, जहां पर इसमें जोड़ रहे थे फाइव वन प्लस आ रहा था, वहां पर क्या आएगा फाइव वन माइनस आएगा, बाकी का सब सेम ही रहेगा, लेकिन इस सरफेस के लिए फाइव वन प्लस किया था, इसके लिए फाइव वन माइनस हो जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ जा रहे हैं, आई बात समझ में। तो इस सरफेस से कैलकुलेट कर लिया ए बी एफ जी से, अभी सी डी ई ओ से, सी डी ई ओ से आएगा वो माइनस में हो जाएगा, तो इसी प्रकार, इसी प्रकार,
इसी प्रकार सी डी ई ओ से गुजरने वाला फ्लक्स सिमिलरली फ्लक्स पासिंग थ्रू सी डी ई ओ सरफेस इस सरफेस से जो पास होगा उसको हम लोग लिखेंगे फाई यू टू लिख देता हूँ फाई यू वन ही लिख देता हूँ लेकिन डैश में लिख देता हूँ मैं फाई यू वन डैश पीछे की तरफ तो फाई यू वन डैश है। इसमें देखो क्या आएगा, ये तो सेम ही आएगा लेकिन इसमें फाई वन प्लस आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, मैं यही तो बोल रहा था। तो ये तो आएगा ए वन एच टू एच थ्री डी यू टू डी यू थ्री, ये सेम आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा। तो माइनस डेल बाई डेल यू वन ए वन एच टू एच थ्री और इसमें आएगा डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री बाई टू, ये आ गया डैश, इसको डैश लिख देता हूँ। ठीक है, ये उस आगे वाले प्रश्न से हो गया, सरफेस से हो गया, ये पीछे वाले सरफेस से हो गया। टाइम देख लूं मैं एक बार। देखो ऐसा है, इस सरफेस से इस तरफ निकल रहा, इस सरफेस से इस तरफ निकल रहा, इस तरफ जो निकल रहा है वो फाई यू वन है, इस तरफ जो जा रहा है वो फाई यू वन डैश है। मुझे रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी, तो इधर जो जा रहा है उसमें से ये माइनस कर देता हूं, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा फाइ यू वन माइनस, ये पीछे की तरफ जा रहा है इधर, ये फाइ डैश यू वन, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये आगे की तरफ निकल रहा है, पीछे की तरफ निकला, तो रिजल्टेंट आगे की तरफ कितना निकला, परिणामी जो आगे की तरफ जा रहा है वो कितना फ्लक्स हुआ, फाइ यू वन माइनस फाइ डैश यू वन। तो देखो तो इसमें से ये माइनस कर देता हूं, तो u1 दिशा में गुजरने वाला कुल फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स इन u1 डायरेक्शन में रिजल्टेंट जो फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई यू वन, रिजल्टेंट चाहिए ना अपने को, तो रिजल्टेंट लिख देता हूँ इसमें, रिजल्टेंट को ऐसे नहीं लिखते, कुछ और सिंबल दे देते हैं तो थोड़ा ठीक लगे, फाई यू वन, हाँ रिजल्टेंट ऐसे लिख देते हैं आर। तो ये क्या आएगा फाई यू वन माइनस फाई डैश यू वन, दोनों में से इसको फाई यू वन में से फाई यू वन डैश माइनस कर दो, तो फाई यू वन में से इसमें से ये माइनस करूँगा, ये माइनस होगा तो इसमें भी माइनस लगेगा और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस लगेगा तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये और ये बचेगा, तो ये दो बार बच जाएगा ही, तो ट्वाइस ऑफ दिस वन, तो ऐसा आएगा फाई वन फाई यू वन, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा आपका इसका डबल आएगा इसका, तो ट्वाइस ऑफ डेल बाई डेल यू वन ए वन एच टू एच थ्री डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री बाई टू, और ये ट्वाइस है तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई यू वन डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फ्लक्स आ गया वो आ गया डेल बाई डेल यू वन ए वन एच टू एच थ्री, इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाकी का बचा वो डी यू वन डी यू टू डी यू थ्री, ऐसा आ जाएगा। ये आ गया यू वन डायरेक्शन में रिजल्टेंट, इस फॉर्मूले के बेसिस पे सिमिलरली यू टू में और यू थ्री में डायरेक्ट निकाल लेंगे।